नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी 2021 के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही जरूरी जानकारी देने वाला हूं, आप सभी को बताने वाला हूं कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और साथ ही में आप सभी को जो उम्र की छूट के बारे में जानकारी चाहिए थी उसके बारे में भी मैं आप सभी को एक जरूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पे आप टेस्ट बुक के साथ अपनी एसएससी जीडी की तैयारी और ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। केवल ईयरली टेस्ट बुक पास खरीद के यहाँ पे केवल 299 रुपये में आपको मिल जाता है। अगर आप हमारा कूपन कोड DREAM10 यूज़ करते हैं तो आपको केवल 269 रुपये में ये मिल जाता है 10% डिस्काउंट के साथ। तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप इसका ईयरली टेस्ट बुक पास खरीद सकते हैं, जिससे कि आप सभी टेस्ट सीरीज़ को दे पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, एसएससी जीडी के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के जितने बार एग्जाम होंगे या होने वाले हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं फ्री में, केवल 299 रुपये में, और जो कि आपको 269 रुपये में मिल जाएगी। तो जुलाई मेगा सेल यहाँ पे चल रही है, फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और फटाफट से इस ऑफर को परचेज कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा एसएससी जीडी की उम्र के बारे में, छूट के बारे में। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ कि काफ़ी लंबे समय से जब से इसके नोटिफिकेशन की बात चल रही है, सभी अभ्यर्थियों की डिमांड है कि इस भर्ती में उम्र में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो भर्ती है 2018 के बाद 2021 में आ रही है, तो 3 साल के बाद ये भर्ती आ रही है, तो इसमें उम्र में छूट मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक एसएससी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है कि आपको उम्र में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन था वो मार्च में जारी होना था, लेकिन मार्च में जारी नहीं होने की वजह से अभी क्या होगा कि आपके जो नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन किए जाएंगे, और उन संशोधन में आपकी उम्र का जो संशोधन है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होगा। तो पूरी चांसेस हैं इस चीज़ के, पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपकी जो उम्र में छूट है डेफिनेटली आप सभी को दी जाएगी। हालांकि जो आपकी मांगें थी कि इसमें कम से कम 2 साल की छूट दी जानी चाहिए, बट ऐसा लगता है कि लगभग आपको 1 साल की छूट इस नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ अब बात आती है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा कब तक। तो देखिए, आप सभी देखते होंगे न्यूज़पेपर की कटिंग आर्टिकल वगैरह, ये सभी आते रहते हैं ऑनलाइन, तो आप उसमें चेक करेंगे कि जैसे कि जब जून ख़त्म होने वाला था तो 1 जुलाई हो गया, 1 जुलाई निकल गया तो फिर हो गया कि 10 जुलाई तक आ जाएगा, अभी 10 जुलाई भी निकल जाएगा, उसके बाद उनकी आगे डेट चली जाएगी। तो जो न्यूज़ आर्टिकल वगैरह हैं उनका कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें आगे पीछे होती रहेंगी, वो जैसे जैसे डेट आगे चलती जाएगी उनका डेट भी जो होगी आगे एक्सटेंड होती चली जाएगी। लेकिन फिलहाल जो आप सभी के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के ये आई है कि आपकी जो नोटिफिकेशन की डेट है लगभग जुलाई के अंत तक जाके क्लियर हो जाएगी, और लगभग आपको पहले ऑफिशियल अपडेट दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो कैलेंडर होगा वो अपडेट किया जाएगा, और कैलेंडर अपडेट जब होगा तो आप सभी को उसकी एग्जाम डेट और उसके नोटिफिकेशन के बारे में पहले से ही जानकारी दे दी जाएगी नोटिफिकेशन से पहले। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके जो नोटिफिकेशन की जानकारी होगी आप सभी को पहले ही मिल जाएगी, और आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि कब तक आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आप सभी को पूरी पूरी उम्मीद है और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी, और जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और डेफिनेटली आपको इस भर्ती में उम्र में छूट दी जाएगी। लेकिन आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना करें कि आपको 2 साल 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।